तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं ऋषभ अवस्थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्लावर होर्न फिश की केयर के बारे में। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही एग्रेसिव फिश है। ये चिकलेट फैमिली से बिलोंग करती है। ये एक हाइब्रिड फिश है। ये मतलब कई फिशेस को ब्रीड करवा के बनवाई गई है, तब जाके ये आई है। का जो साइज होता है फ्रेंड्स, वो 12 इंचेस तक पहुंच जाता है, मतलब कि 1 फिट। इसका एक्वेरियम साइज़ की बात की जाए तो ये मिनिमम 2 फिट के एक्वेरियम में रखनी चाहिए। इससे बड़े एक्वेरियम में रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 फिट का होना चाहिए एक्वेरियम। दोस्तों, ये 12 साल तक जिंदा रह सकती है। 12 साल तक काफ़ी लंबी एज इसकी। तो ये 12 साल तक जिंदा रह सकती है और इसके वाटर का टेम्परेचर 25 to 28 degrees तक होना चाहिए। और फ्लावर हॉर्न के एक्वेरियम में अच्छा फिल्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। और हाँ, एक बात और कि ये एग्रेसिव फिश है, तो ये अकेले ही रहना पसंद करती है। इसको अगर आप अकेले रखेंगे तो सही रहेगा। दूसरी फिशेस के साथ ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, तो इसलिए इसको अकेले रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। फीडिंग की बात करें तो इसको लाइव फीड बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, इनको लाइव फीड पसंद है। वैसे पैलेट्स भी खा लेती हैं ये लोग। पैलेट्स खा लेती हैं, जैसे इसका जो नॉर्मल इसके दाने आते हैं वो भी खा लेती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपका फ्लावर हॉर्न छोटा है तो आप उसे 3 टाइम फीड दे सकते हैं। छोटा मतलब 1 मंथ के अंदर का है, तो फिर आप उसे 3 टाइम फीड दे सकते हैं। वरना फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर जैसे 2 इंच का हो जाए, 2 इंच के ऊपर का, तो आप उसे 2 ही टाइम फीड दिए सुबह शाम, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो एक और फ्लावर हॉर्न थी SRD, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो कहाँ गई। तो उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि एक दिन मैं मतलब अपने कॉलेज से आया था, तो मैंने देखा था कि वो मतलब मैंने बीच में इसके पोर्शन लगाया हुआ था, आपने देखा था पिछली वीडियो में, जो डिवाइडर के लिए लगाया हुआ था, जैसे इधर उधर कोई जा ना सके। दोनों फिश एक इधर रखी थी, एक उधर रखी थी राइट साइड में। तो वो जो SRD थी, वो किस पता नहीं किस तरह, लेकिन वो जंप करके इसके पास चली गई थी और इसने उसको मार दिया था। आँख नोच ली थी इसकी, पता नहीं कैसे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर फिशेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की पूरी, और रिप्लाई मैं पक्का करूँगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्लावर होर्न फिश की केयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दोस्तों, उसे हल्का सा छू दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा फ्री में वो भी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।